After a long span, the Bhats are back doing a film with Imran Hashmi titled as Mr. X, जिसकी पहली झलक Zoom ने आपको दिखाई भी थी। और अब इस फिल्म पर और डिटेलिंग करते हुए हमने मुकेश भट्ट से बात की। And look at what he has to say. Mr. X हमारे लिए बहुत important फिल्म है। उसकी वजह दो है। एक तो मेरे फादर ने नाना भाई भट्ट, उन्होंने 1958 में फिल्म बनाई थी मिस्टर एक्स, जो बहुत बड़ी हिट हुई थी उस वक्त भी। GPCP साहब की फर्स्ट फिल्म एज अ प्रोड्यूसर थी वो। और आज जब हम बनाने जा रहे हैं, और ये 3D फिल्म है, और राजस्त्री के बाद राजस्त्री आपको पता है कि बहुत सक्सेसफुल फिल्म रही, और मुझे बहुत उम्मीद है कि इस फिल्म को हम डेफिनेटली राजस्त्री का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। और ये वो जो आप आजकल जो एक नया एक कल्चर क्लब बन गया है 100 करोड़ क्लब, I will achieve that in this film, definitely. जी हाँ, मुकेश ने तो हमें दो वजह बता दी on coming up with Mr. X and having an old connection with this film. वहीं मुकेश भट्ट also guarantees to us that this film will cross 100 crore rupees. वैसे इतना कॉन्फिडेंस तो तभी होता है जब प्लॉट और एक्टर सही कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। So Mukesh ji, tell us about Imran Hashmi as well, who has got associated with the Bhats after a long time. Imran Hashmi और विशेष फिल्म का एक कॉम्बिनेशन एक लीथल कॉम्बिनेशन है। जैसे मनमोहन देसाई और अमिताभ बच्चन का कॉम्बिनेशन था, जैसे राजेश खन्ना और शक्ति सामंत का कॉम्बिनेशन था, जैसे धर्मेंद्र और प्रभोज चक्रवर्ती का कॉम्बिनेशन था, वैसे इमरान हाशमी और विशेष फिल्म्स का कॉम्बिनेशन है। अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए इमरान हाशमी की, तो बिगेस्ट हिट्स उसने जो दी है विशेष फिल्म्स के साथ दी है। और गॉड विलिंग हम वापस प्रूव कर देंगे कि वी आर द बेस्ट। Well, with this lethal combination of Bhats with Hashmi, we hope that Mr. X does set a good benchmark in Bollywood. Until then, we will wait to watch the final layout. For Rudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai.